स्वागत है आप सभी के हमारे सजीर बाइक गुरु चैनल में आने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, मेरा नाम है सजीरुद्दीन और आप देख रहे हैं सजीर बाइक गुरु। तो चलिए कुछ नया सीख लेते हैं। ये पल्सर बाइक है और इसका कुछ वायरिंग का मैं वीडियो बनाया हूँ, आइए देखिए। फ्यूज कंट्रोल बॉक्स और इसे अभी बाजार से लेके लगाया है। इसका फ्यूज कंडक्टर नहीं था, डायरेक्ट था और काफ़ी सारे प्रॉब्लम हो चुकी है। अगर फ्यूज कंडक्टर नहीं रहेगा तो आपका वायरिंग जल जाएगा, कहीं पर अगर शॉर्ट होगा तो क्या होगा, पूरा वायर जल जाएगा। तो इसीलिए आपको फ्यूज कंडक्टर लगाना चाहिए। और बैटरी भी चार्ज नहीं देता था और पूरा लाइन नहीं आता था। देखिए लाइन आ गया है, अब मैं इंडिकेटर दूंगा, इंडिकेटर भी जल रहा है, पूरा लाइन डेड हो गया था। तो ये है आपका सादा वायर जो है चाबी स्विच का, यह चाबी स्विच का क्लिप है और सादा वायर ये जो है यहाँ तक ये फ्यूज हो गया था। ये फ्यूज कंडक्टर था नहीं, इसीलिए ये बास्ट हो गया था और मुझे इस तार लगा के ये फ्यूज कंडक्टर से लगा के बैटरी से ले लिया। और रेगुलेटर चार्जर यही से आपका चार्ज देगा बैटरी को। जैसे कि यह चार्जर पिन वाइट कलर, यही से मैंने बोर्ड ले लिया है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाऊंगा बैटरी चार्ज कैसे होता है। देखिए यह हमारे पास मल्टीमीटर है और मैं चेकअप करके दिखाऊंगा। ये प्लस बोर्ड है, ये माइनस है, इसे लगाता हूँ और इसे लगाता हूँ। तो देखिए 12 76 दिखाई दे रहा है। अब मुझे स्टार्ट करके इसका प्लस लगाना है। मार्स्टर स्टार्ट हो गया है, अब देखो पिकअप देगा, पिकअप दे तेरा का ऊपर आ गया, इसका मतलब बैटरी चार्ज हो रहा है। तो इसी तरह आपको भी चेकअप करना चाहिए। 13 प्लस हो गया है, इसका मतलब बैटरी चार्ज हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरह बैटरी को मापते हैं और आप भी मापिए। अब मैं पूरा वायरिंग को लैबलेशन कर दूंगा।